हेलो प्यारे बच्चों, तो चलो आई होप कि आप बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मिसकंसेप्शन वाला जो सीरीज़ था उसमें मैं वीडियो नंबर 7 है, इससे पहले भाई अलग देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो टाइम पीरियड है उसको लेके बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि सर इलेक्ट्रॉन अगर है, ये मैं हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल बनाया हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये पे ग्राउंड स्टेट में, अब इसको कहीं से एनर्जी मिल गई तो एनर्जी पाके जनरली हायर, मतलब जो अगर एग्जैक्ट दो डिफरेंस के एनर्जी लेवल के इक्वल है तो वो एग्जैक्ट उस ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कुछ, इसको अच्छी खासी एनर्जी मिल गई और वो इसमें जंप कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया इस ऑर्बिट n इक्वल टू 4 में, तो वापस कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, उसको लेके डाउट होता है बच्चों के। कभी कभी जो लोग ये बोलते हैं कि एवरेज जो टाइम है, एवरेज टाइम जो है वो 10^-8 सेकेंड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो बच्चे इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि 10^-8 सेकेंड हमेशा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10^-8 सेकेंड ऑन एन एवरेज टाइम है इलेक्ट्रॉन के वापस आने का। इलेक्ट्रॉन जो है 10^-1 सेकेंड, 10^-2 सेकेंड, 10^-3 सेकेंड, 10^-6 सेकेंड, etc. इन टाइम ड्यूरेशन में कभी भी वापस आ सकता है, ठीक है। बट वो कब आएगा ये बात इस दुनिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है, बट आएगा जरूर, ये बात पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा ग्राउंड स्टेट में जरूर आएगा, ये बात पता है, टाइम ड्यूरेशन इक्वल नहीं है, और कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा ये नहीं पता है, बस हमें पॉसिबिलिटी पता है कि मतलब कब आएगा ये भी नहीं पता है, किस रास्ते से आएगा ये भी नहीं पता, पॉसिबिलिटी पता है कि यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे और एक ऐसे आ सकता है, ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। वैसे ही जैसे मान लो कोई लड़की है या कोई वाइफ है किसी दूसरे, किसी शादीशुदा आदमी की वाइफ है, अगर उसको कुछ पैसे मिल गए और मॉल चली गई शॉपिंग करने, तो जब मॉल चली गई वो शॉपिंग करने, तो वो कितने टाइम तक शॉपिंग करेगी, ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है, और ये कब वापस आएगी ये किसी को नहीं पता, सिर्फ उसी को पता है, किस रास्ते से आएगी ये भी जनरली डिसाइड नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही सिर्फ उसी को पता है वो कब वापस आएगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया तो कितने टाइम में वापस आएगा ये नहीं पता है, ठीक है, और किस रास्ते से आएगा वो भी नहीं पता है, बट आएगा जरूर ये पता है यार। तो एवरेज टाइम 10^-8 सेकेंड है, ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में वापस आ सकता है।